रिमोट वाला कमोड, रिमोट वाली टीवी और रिमोट वाले दरवाजे के बाद रिमोट से सरकार चला रही केजरीवाल। इधर न्यूज चैनल पर ऑपरेशन शीश महल चला, उधर पंजाब में फोन बजा, पत्रकार को सबक सिखाना ही होगा। केजरीवाल का प्रोग्राम कवर करने गई भावना को अरेस्ट कर 6 से 7 घंटे तक सड़कों पर घुमाया, फिर भेज दिया जेल। कहते हैं कि दिल्ली में एक शीश महल है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राजा रहता है। राजा के पास रिमोट वाला कमोड है, वो रिमोट से फ्लश करता है, वो रिमोट से कमोड का ढक्कन उठाता है, ना जाने रिमोट से वो क्या क्या करता है। रिमोट से उसके घर का दरवाजा भी खुलता है, यही नहीं वो राजा रिमोट से सरकार भी चलाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि बात आम से खास आदमी बने केजरीवाल की हो रही है, जो चर्चा में इस बात को लेकर हैं कि जिस चैनल ने उनके घर के अंदर की तस्वीरें दिखाई, 45 करोड़ के बंगले की हकीकत बताई, उस चैनल के एक पत्रकार को गिरफ्तार करवा दिया। आप कहेंगे केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं तो पंजाब की पुलिस को आदेश दे दिया, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस अरेस्ट करने पहुंच गई थी। कुछ समय पहले कुमार विश्वास के घर पहुंच गई थी। कहा तो ये तक जा रहा है कि जब न्यूज चैनल पर केजरीवाल के घर की तस्वीरें चल रही थी, तब दिल्ली से पंजाब में एक फोन गया और कहा गया कि पत्रकार को सबक सिखाना होगा। और इत्तेफाक देखिए कि पुलिस ने जिस पत्रकार को SC ST एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया, वो उसी चैनल की निकली। हम ये नहीं कहते कि सही या गलत कौन है, बल्कि सवाल ये है कि क्या बदले के चक्कर में केजरीवाल मर्यादा भूल गए और एक महिला पत्रकार से डर गए। आम आदमी पार्टी का बीट कवर करने वाली पत्रकार भावना किशोर को लुधियाना में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 से 7 घंटे तक ये नहीं बताया कि उसको कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस स्टोरी पर काम किया, उस चैनल में काम करती है जिनसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से जवाब देते नहीं बन रहा है, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से चली है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ऐसी भी खबरें आई कि पत्रकार भावना किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट जाते ही भगवंत मान की पुलिस के आरोपों की पोल खुल गई और हाईकोर्ट ने न सिर्फ भगवंत मान की पुलिस को फटकार लगाई बल्कि रिपोर्टर को जमानत भी दे दी। अब यहाँ से आप एक कहानी समझने की कोशिश कीजिए, ये शायद देश में इकलौता ऐसा उदाहरण होगा। कभी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था कि हमें पुलिस दे दीजिए, हमें पुलिस चाहिए, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, हम पुलिस लेंगे। पुलिस को लेकर इनके अंदर ऐसी चाहत थी कि लोगों को लगता था कि कोई सीएम इस हद तक क्यों जा रहा है। दिल्ली में पहले भी सीएम हुए, शीला दीक्षित 3 बार सीएम बनी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को लेकर इतना उत्सुक क्यों थी, ये हालिया दिनों में समझ में आया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो मुश्किल ही कहीं होता है। जब केजरीवाल दुनिया पर सवाल उठाते हैं, देश में हर किसी को इन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया है। सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और देश के कई बड़े नेताओं पर कई आरोप लगाए, लेकिन आज जब उन्हें एक्सपोज किया गया तो शायद गुस्सा आ गया। मीडिया का हर साथी ये जानता है कि जब कोई शूट पर जाता है तो पूरी टीम होती है, ड्राइवर होता है, रिपोर्टर पीछे सीट पर बैठा था, वो लड़की भी पीछे सीट पर थी, पर कहा गया कि उसने महिलाओं को जाति सूचक गालियां दी। हम आप कहीं जाते हैं, कुछ होता है तो क्या जाति पहले से पता होती है? क्या भावना किशोर कोई अंतर्यामी थी जो जानती थी कि सामने वाला किस जाति का है? ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा। कहीं केजरीवाल की ये गलती भगवंत मान को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस के बेजा इस्तेमाल के चक्कर में कई सरकारें गिर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।